इन दिनों माँ नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा चल रही है। जी हाँ, गुजरात में जो नर्मदा घाट आए हुए हैं वहाँ पर अभी भाविक भक्त काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। तब ये तस्वीरें जो आई है वो तिलकवाड़ा के नर्मदा घाट से आई है, जहाँ पर मणि नागेश्वर मंदिर के पास जो तिलकवाड़ा के युवा है वो बीते कई सालों से जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने जो भाविक श्रद्धालु आते हैं उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पर माँ नर्मदा की पंचकोशीय परिक्रमा जो है वो करने के लिए सिर्फ बड़ौदा ही नहीं लेकिन आसपास के ज़िले और साथ ही में गुजरात के आसपास के कई राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं। कई लोगों की आस्था मां नर्मदा से जुड़ी हुई है। तब तिलकवाड़ा में हर घाट पर इन दिनों भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और कई सामाजिक और समाजसेवी संस्थाएं इन भाविक श्रद्धालुओं के लिए निवास की, साथ ही में भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था कर रही है। उसी तरह तिलकवाड़ा घाट पर भी युवकों की ओर से इन भाविक भक्तों के लिए नाश्ते और चाय की व्यवस्था की गई थी। पर मणि नागेश्वर मंदिर खाते हरनीश भाई अने तेमनी टीम द्वारा खूब सुंदर आयोजन अहीं नाश्तानु करवामां आव्युं छे। जे लाइव नाश्तो रात दिवस ए लोको सेवा आपी अने खूब सुंदर सेवा आपे छे अने हजारों भाविक भक्तोए एनो लाभ लीधो छे अने ले छे। मणि नागेश्वर मंदिर खाते आ आयोजन करवा बदल एमनी टीमनो हूँ खूब खूब आभार मानु छूँ। मणि नागेश्वरनू हजी पण डेवलपमेंट थाय ए माटे प्रशासनने हूँ नम्र अरज करूँ छूँ के ते अहींया थोड़ू ध्यान दोरी अने एना डेवलपमेंट नी अंदर ध्यान आपे तो मणि नागेश्वरनू जे महत्व छे ए जळવાશે अने हजारों भाविक भक्तो तेनो लाभ लई शकशे। नमस्कार, माँ नर्मदानी उत्तरवाहिनी परिक्रमानी अंदर हजारोंनी संख्यामां लोको गुजरातमां ने गुजरात बहारथी आवे छे। अहींयानी व्यवस्था खूब सरस छे परंतु अमने अहींया तकलीफ एक ज पड़ी के हजारों लोको आव्या परंतु जे नावडीनी व्यवस्था हती ए घणी ओछी हती। तो तंत्रए आ बाबतमां ध्यान आपी अने नावडीनी संख्या वधारे तो भाविक भक्तोने अगवड ओछी पड़े अने એમની યાત્રા બહુ સુગમ બને। સર, અમે ભરૂચથી 5 બસ લઈને અહીંયા આવેલા છે ઉત્તરવાહિની નર્મદા પરિક્રમા માટે, તો અમને ખૂબ મજા આવી। અહીંયા વ્યવસ્થા બી બહુ સરસ છે ઉત્તરવાહિની નર્મદા પરિક્રમામાં, પણ ખાલી અમને એક અગવડ પડી કે અહીંયા જે અમારે નર્મદાની બોટ દ્વારા ક્રોસ કરવાની હોય છે તેમાં નાવડીની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે। તો તંત્રને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે બને એટલી બોટનું આયોજન વધારે કરે કે જેથી આ જે હજારો લોક સંખ્યામાં જે ભાવિક ભક્તો આવે છે એમને આ અગવડ ના પડે। અને ધક્કામુક્કીને એવું પણ બહુ થઈ રહેલું છે એટલે થોડી સુરક્ષા માટે પણ થોડું તંત્ર જાગૃત થાય એ માટે મારી તંત્રને અપીલ છે। બાકી બીજી બધી જ વ્યવસ્થા ખૂબ સરસ છે જેમાં અમને જરા પણ તકલીફ નથી પડી ને અમારા ત્યાંથી શું બધે ભરૂચથી બહાર ઓલ ઓવર ગુજરાત કે ગુજરાતથી બહાર પણ આવેલા બધા ભાવિક ભક્તો આમાં બહુ ખૂબ આનંદ માને છે અને આ પરિક્રમા ખૂબ સારી રીતે કરે છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।